तो हेलो गाइस, काफी दिनों के बाद मैं एक ऐसा वीडियो डालने वाला हूँ। आज का पूरा दिन का मैं आज सिर्फ उबेर ही मारूंगा, ओला बिल्कुल नहीं मारूंगा। आज उबेर में मैं कितनी अर्निंग करने वाला हूँ पूरा दिन में मैं बताऊंगा। आज मैं निकला हूँ 9:30 बजे और 9:30 बजे है मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं पार्टी के HB Town के नीचे खड़ा हूँ, मेट्रो स्टेशन के नीचे। यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ कि बुकिंग मुझे कब लगेंगी, कितने की लगेंगी, ये मुझे आइडिया नहीं है, पर लगने को होना बस यहाँ से बुकिंग। यहाँ से जैसे ही मैं निकला तो फिर बुकिंग उधर मिल ही जाएंगी, जहाँ से मैं कोई भी लोकेशन दे दे मुझे, बस कामटी छोड़ के कोई भी लोकेशन दे दे मुझे बुकिंग बजना ही बजना है दूसरे लोकेशन से, क्योंकि पार्टी से ना बहुत मुश्किल से बुकिंग बजती है, बच गई तो बच गई, नहीं तो फिर यहाँ से पूरा खाली 3-4 किलोमीटर आगे जाके से ही बुकिंग बजती है। तो अभी मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और देखता हूँ कि बुकिंग मुझे कितने बजे लगती है। मैं HB Town में, ये है मेरी गाड़ी का कुछ इंटीरियर, कुछ इस तरह दिखता है, और मेरी गाड़ी है डिज़ायर। तो ये है प्रजापति नगर पार्टी का मेट्रो स्टेशन, और सुबह के 9:30 बज रहा है जिससे मैं बता देता हूँ। और मैं यहाँ पे जस्ट ऑनलाइन आया हूँ, अब पेट्रोल वेट्रोल भरवा लिया हूँ। मेरा पेट्रोल का रेडिंग भी देख सकते हो, अभी पेट्रोल काफ़ी है मेरे पास, पेट्रोल काफ़ी अच्छा है, और मैंने अब सिर्फ 1 ही किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी। अभी मैं ट्रिप भी सेट कर लिया है अपने लिए, गाड़ी कितना चलने वाली है और कितना अर्निंग करने वाली है, क्योंकि ये रोड काफ़ी ज़्यादा चलता है पार्टी वाला। जो ये भंडारा हाईवे है, सीधा भंडारा छत्तीसगढ़ हाईवे जाता है, रायपुर हाईवे है ये। तो अभी देखते हैं कि मुझे ट्रिप कितने बजे, मुझे सिर्फ ट्रिप का वेट है। और एक बंदे ने मुझे पर्सनल कमेंट किया है आज की, भाई ओला उबेर में धंधा कैसा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आज वो बातें भी बताऊंगा कि आज की सिचुएशन में और पहले की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, और काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आज इस डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेंगी, और नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो अभी वेट करते हैं। फाइनली मुझे प्रजापति नगर से धंतोली की ट्रिप लगी, और मैं धंतोली में हॉस्पिटल में ड्रॉप किया, और राधाकृष्ण हॉस्पिटल से मैंने पिकअप किया था। तो अभी मैं फिलहाल में धंतोली फ्लाईओवर के नीचे में हूँ, तो मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा, मुझे इसमें कितना फेयर मिला वो भी बताऊँगा। फिलहाल मैं धंतोली फ्लाईओवर के पास में हूँ, और मैंने गाड़ी छाव में पार्क कर दिया है पेड़ के नीचे में, और मुझे इसका फेयर टोटल 141 मिला मुझे फेयर, और कंपनी मुझे तो 171 मिला था, जिसमें मुझे फेयर मेरा कमीशन काट के मुझे 141 रुपीस मिला, जो काफ़ी ठीक ठाक माना जाएगा। तो अभी एक ही ट्रिप हुआ है मेरा, अब यहाँ पे मैं ट्रिप का वेट कर रहा हूँ। और ये मेरे आसपास का व्यू है, यहाँ पे भैया जूस वाले भैया का एक ठेला है। तो आज संडे है, इस वजह से ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, नहीं तो अदर्स डे आते हो आप तो आपको ट्रैफिक दिखेगा। और पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है नागपुर के अंदर में। देखिए प्राडो जा रही है, सॉरी प्राडो नहीं है, लैंड क्रूज़र गाड़ी है ये, देखिए लैंड क्रूज़र जा रही है भाई, बढ़िया गाड़ी है। तो भाई अभी वेट करना पड़ेगा हमें दूसरे ट्रिप के लिए, और आज का मैं जितना भी अर्निंग होगा और जितने भी ट्रिप मैं करूँगा उसका पूरा जो रिकॉर्डिंग रहेगा मैं शेयर करूँगा आपसे, कि मैंने कितना अर्निंग किया है और कितनी ट्रिप मैंने कंप्लीट किया है, वो सारा पूरा डिटेल्स बताऊँगा। और आज पहले के मुताबिक और आज का जो रहेगा अर्निंग वो मैं उसका कंपेरिजन भी बताऊँगा कि पहले के मुताबिक अभी धंधा कैसा है आपका और पहले कैसा था। ऐसे ही धंधा चलते रहा, तो मैं आया हूँ कब से, 9 बजे से मैं आया हूँ, और अभी बज रहा है 2। तो भाई मैंने सिर्फ अभी देखिए 3 ही ट्रिप मारा है, 3 ट्रिप से ज़्यादा नहीं हुई हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा मार्केट तो भाई कैब वाले का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसे कैब ड्राइवर है जिन्होंने EMI पे गाड़ी खरीदी हुई है, मेरी भी है, मेरे जैसे कई लोग हैं जिनकी EMI पे कार है। तो भाई क्या हाल है यार, अभी बहुत बुरी कंडीशन है, 9 बजे से लेके अभी 2 बज रहा है, सिर्फ 3 ट्रिप हुई है और अर्निंग हुआ है 399 का। भाई क्या होगा यार, अभी तो अभी टाइम बाकी, आगे का क्या है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ मैं आज। 2 बजे तक के मैं काफ़ी देर तक के खाली रहा, उसके बाद मैंने क्या काम किया, मुझे ट्रिप नहीं लग रहा था तो मैंने किया अपना एप्लीकेशन का पूरा डाटा क्लियर, फिर मैंने डाटा क्लियर कर मैंने लॉगिन किया, फिर से सेल्फी दिया, फिर मुझे एकदम धड़ाधड़ ट्रिप लगी, कंटिन्यू ट्रिप लगी। तो मैंने करीबन 12 बजे रात तक के ट्रिप मार के मैंने अर्निंग की टोटल 2600 कुछ रुपए की, और बहुत दिक्कत गई भाई, बहुत दिक्कत गई। मार्केट में काम कैसा काम है भी और नहीं भी बोले देखी जाए तो काम है भी और नहीं भी, क्योंकि यार कैब इतनी सारी हो गई है और सिटी हो गई है छोटी उसके हिसाब से, तो काम कैसा कम भी है और ज़्यादा भी है। तो काम के साथ जो ट्रिप मिलती है उसको एक्सेप्ट किया करो और उसको मारो, और कैसा है कि बिना अगर से आप 1-2-3 ट्रिप कंटिन्यू तुम अगर से इग्नोर कर रहे हो तो वो ट्रिप देना बंद कर देता है। और ट्रिप के साथ ट्रिप मारो, कंटिन्यू मारो, अगर से तुमको जो ट्रिप मिल रही हो कंटिन्यू मारो, ज़्यादा लंबा पिकअप है चलो वो ठीक है, पर ऐसा है कि ये ट्रिप आपको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है मार्केट में, कैसे काम है भी और नहीं भी। और देखी जाए एक तरफा तो काम कम है, उतना काम कम है नहीं
जितना का आप रहना चाहिए, क्योंकि काम कम होने की वजह से जो ट्रिप मिलती है वो ट्रिप मार लो। और कल मुझे इंसेंटिव भी मिला, वो भी ज़्यादा नहीं है, 130 रुपये का इंसेंटिव था, उसको लेके मेरा 2619 रुपये का अर्निंग हुआ है। अभी मैं प्लस में ही हूँ, मेरा वॉलेट माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। तो ये था आज का सेशन, क्योंकि अगर से मेरे को बहुत से लोग बोल रहे थे कि ओला उबर में अभी क्या सिचुएशन है, पहले के मुताबिक अगर से देखी जा रहा है तो ठीक ठाक ठीक है, पहले के मुकाबले ठीक है। पहले आपको भी ओला उबर में काम करना है तो आप कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही बताना था, बस आपको काम करना है तो आपको हर राइड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप हर राइड एक्सेप्ट करते हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर से राइड आप बार बार इग्नोर 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 करते जाओगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएंगी, क्योंकि इग्नोर करने पे कंपनी भी आपको ट्रिप देंगी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, मिलेंगे एक नए